सो यस, फाइनली रात के 1:30 बज रहे हैं और हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए। भी सोचा नहीं था कि गोवा बाय रोड जाऊंगी, बट मुंबई में आके ये भी पॉसिबल हो गया। 1:30 बजे हम लोग निकल रहे हैं, 11:05 दिखा रहा है, यानी हम लोग को पहुंचते पहुंचते बज जाएगा सुबह के 11। 1 या 2 बजे पहुंचेंगे मुंबई टू गोवा। सो मुंबई से सफर स्टार्ट हो गया है। पहले तो सड़क बहुत ज्यादा स्मूथ थी एंड हम लोग ने टनल भी बहुत ज्यादा क्रॉस किए एंड इट वॉज सो मच फन। बट मैं बता दूँ, रात का समय था एंड डे ऐसा था कि वीकेंड्स था, तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था पुणे हाईवे पे। तो हम लोग खोपोली जैसे ही क्रॉस हुआ, मतलब जो टोल आया उसके बाद, हम लोगों ने एक लेफ्ट टर्न ले लिया ना कि पुणे हाईवे पे जाने के बजाय। तो आप देख सकते हो हम लोग सिटी के अंदर से होके गुजर रहे हैं ताकि वहाँ पे ट्रैफिक कम रहेगा एंड ये खोपोली से डायरेक्ट सिटी के अंदर होते होते हमें पुणे पहुँचा देगा। तो इसलिए हम लोग ने ये वाला ट्रैक लिया एंड गूगल मैप पे भी यही वाला रास्ता दिखा रहा था। हम लोगों ने इंटेंशनली ये वाला रास्ता नहीं लिया था, गूगल मैप के थ्रू इस रास्ते पे आए थे, क्योंकि जो मेन हाईवे था उस पे बहुत लंबा जाम लगा हुआ था। देख सकते हो इतना ब्यूटीफुल व्यू लग रहा था रात के समय, लाइन सारी चिक्की चिक्की चिक्की। इतनी रात के 3 बज रहे हैं, स्टिल सारे नहीं मोस्टली चिक्की वाले खुले हैं। अब बिल्डिंग दिखने लगी, इसका मतलब हम लोग पुणे जस्ट पहुंच गए हैं। टोल प्लाजा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NH 48। सो अब हमारा यहाँ से थोड़ा सा कर्वी पहाड़ी रास्ता स्टार्ट हो गया है। 7 घंटे बचे हैं उसमें और टाइम हो रहा है इस वक्त तो 5:10 बाकी है। तो सही है, पहाड़ स्टार्ट होते होते सुबह हो जाएगी। 4-5 किलोमीटर तक तो कर भी करना। सो अभी हम लोग सतारा पहुंचे हैं एंड द व्यू फ्रॉम हियर इज ऑसम। उधर का यहाँ से नहीं दिख रहा, ठंडी लग रही है यार यहाँ पे मेरे को। Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I love Karad. Karad. I don't know, मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, बट हम लोग वहाँ पहुँच गए। अब यहाँ से देखते हैं रोड कैसी रहती है। मेरी आवाज़ बिल्कुल बैठ चुकी है। पणजी 305 किलोमीटर। सो हम लोग महाराष्ट्र बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं। हम लोग इंटर कर रहे हैं कर्नाटका बॉर्डर में। दिस इज कोगनोली टोल प्लाजा। हम लोग यहाँ पे जैसे ही कर्नाटका बॉर्डर में इंटर किए, यहाँ पे फूड कोर्ट बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा है। मैकडी है, कोस्टा है, सिसिडी है। तो कोस्टा अभी बंद है, सो वी आर गोइंग टू मैकडी। वहाँ कॉफ़ी पी लेते हैं थोड़ा, क्योंकि रास्ते में एक जगह रुके थे बट आई डोंट लाइक द टेस्ट। तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा है, यू कैन सी दिस एंड लुक एट द ब्यूटीफुल ब्राइट सनी डे। ओ माय गॉड, कोस्टा ओपन है, सो लेट्स गो। यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में भी लिखा है, वन स्पून हनी, और ये कर्नाटक लैंग्वेज में, जो कि मुझे नहीं आती है पढ़नी। बेकार बिल्कुल खड़े वाली रोड मिली है। बीच में थोड़ी सही हो जा रही है, जैसे कि ये रखो यहाँ पे थोड़ी सही हो जा रही है, बट बीच में मुझको 1-2 किलोमीटर ऐसा आ जा रहा है कि गाड़ी 10 से ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ये अजारा है कर्नाटका में। जैसे ही कर्नाटका की बॉर्डर स्टार्ट होती है उसके बाद थोड़ा सा हम लोग हाईवे पर चलते हैं, उसके बाद ये सिंगल लेन वाली मोड़ आ जाती है गोवा की तरफ। ओफो, यहाँ पे देखो रोड कितनी बेकार है। बिल्कुल कच्ची मिट्टी वाली, शीशा वीशा सब गंदा हो जाए वो वाली। होटल पैराडाइज यहाँ पे, आई डोंट नो यहाँ पे होटल क्यों है। होटल पैराडाइज यहाँ पे लोग रुकेंगे क्यों? ये कौन सी जगह, कोई ऐसी घूमने की जगह तो है नहीं।
फिर यहाँ रुक के क्या करेंगे लोग। Hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They'll see what they लास्ट के आधा घंटा बचा है। लास्ट जो 4 आवर गया है वो बहुत ही ज़्यादा घुमावदार पहाड़ी टाइप का था रास्ता, इससे मुझे थोड़ा सा वॉमिटिंग आने लगी है। वॉमिटिंग का चक्कर थोड़ा सा आ रहा है, बहुत गुल 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 रास्ता था। तो अभी जाके सीधा हुआ है, अब आधा घंटा बचा है। मतलब होटल, मतलब गोवा हम लोग इंटर कर चुके हैं, बस होटल जा रहे हैं। Reached our hotel. Thank you party. 3 minute. So फटाफट से मैं आपको छोटा सा एक रूम टूर दे देती हूँ। तो ये है हमारा दरवाजा, जैसे आप इंटर करते हो यहाँ पे लगेज स्पेस मिल जाता है, एंड इधर है यहाँ पे अलमीरा। इस तरह से जाओ, लॉकर है, लॉकर में लेकिन कोई भी ताला चाबी नहीं है। और इधर है वॉशरूम, ठीक है, एंड वॉश बेसिन। इधर कमोड एंड इधर शावर एरिया, नाइस कोजी नाइस। एंड देन हियर वी हैव अ बिग मिरर, माय कैजुअल लुक। एंड हियर वी हैव बियर, जिसको पीना पियो भैया, आई डोंट ड्रिंक। मिनी फ्रिज, ड्रॉअर विच आई नेवर यूज, बेड काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये पार्टी होटल है इसलिए आप देख सकते हो इस तरह से यहाँ पे पूरा वाइब्स आती है, रात में बहुत सुंदर लगता है। एंड एसी, पंखा, ये देखो यहाँ पे पूरा पोस्टर लगा हुआ है इस तरह से। यहाँ पे काउच है दो, ऑरेंज कलर माय फेवरेट है। यहाँ पे इस तरह से ये टीवी कैबिनेट है, एंड बालकनी चलो आपको दिखाते हैं। सो इस तरह से बालकनी है, और बालकनी के बाहर पूरा पूल व्यू दिखता है हमें। अभी धूप बहुत है। ओके गाइस, सो फाइनली मुंबई से लखनऊ हम, सो मुंबई से लखनऊ बोल, सो फाइनली मुंबई से गोवा हम लोग आ गए हैं। पूरे पूरे 12 घंटे लगे, रात में 1:30 बजे निकले थे, इस वक्त 1:30 बजे पहुंचे हैं। सो अगर आप प्लान कर रहे हो अपना ट्रिप तो इसे अकॉर्डिंग करना कि जाते समय ऐसा टाइम रखना कि रात में हो चलेगा, बट जब गोवा पहुंचने 5 घंटे पहले का रास्ता जो है बहुत ज़्यादा पूरा zigzag है, मनाली से भी ज़्यादा zigzag है, तो आप उसको डे टाइम में रखना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि वहाँ पे बीच में डिवाइडर नहीं है, एक ही लेन है, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ओवरटेक करने में, सामने से गाड़ी आती है, आप समझ गए हो ना। तो जो भी चढ़ाई करो, मतलब कि जब जैसे ही आप कर्नाटका के बॉर्डर पे आओ, वहां से लेके गोवा तक का 5 आवर है, तो वो आप डे में प्लान करो, या मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग प्लान कर लो, या फिर शाम को भी प्लान कर सकते हो, जैसे 2 बजे से 6 बजे के बीच में ऐसे, बट रात को अवॉइड करना, ठीक है। तो बाकी की और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर चेकआउट कर लेना। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आप गोवा के और ब्लॉग्स देखना चाहते हो तो मेरे चैनल पर विजिट करो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाय।